हेलो, हाय, हाउ यू? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? यस, आई कैन. कैन यू हियर यस, हाउ आर यू? मी? यस, ऑल वेल. हाउ आर यू? आई एम सुपर गुड. अब तो ये सवाल तो पूछना भी नहीं बनता कि लॉकडाउन कैसा कट रहा है, बिकॉज अब तो ऐसा लग रहा है ये नॉर्मल हो चुका है. बट स्टिल माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, लॉकडाउन कैसा या कट रहा है? हाँ, लॉकडाउन इज ओके. आई मीन, नाउ आदत पड़ गई है टू डू दो सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन. पूरा दिन एक प्लान होता है, यू हैव टू रिपीट दैट. एंड तो वही हो रहा है, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं सब लोग. तो अपनी लाइफ चला रहे हैं घर में ही, वर्कआउट घर से ही, काम. तो बहुत चीजें हैं जो रिपीट करे जा रहे हैं. बट लकीली थोड़ा खुल रहा है इन टर्म्स ऑफ यू कैन गो आउट, राइट. सो इट्स बेटर दैट वेज. एटलीस्ट नाउ वी कैन मूव आउट अ लिटिल बिट. और देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज कमिंग कहीं से, आई डोंट नो, बहुत मतलब आई आवाज आ कैन रही हियर है यू किसकी. कंप्लीटली. व्हाट काइंड ऑफ नॉइज? ओके, लाइक डिस्टरबेंस सम काइंड ऑफ? लाइक अ बस और कार गोइंग और समथिंग, मे बी, आई डोंट नो. आपको इट्स नहीं आ रही? लॉकडाउन, नो बसेस और नो कार्स आर गोइंग. नो नो, मेरे को एक्चुअली आवाज नहीं आ रही, प्रॉब्ली बट इट्स समटाइम्स इट बैड बैड हैपेंस. नेटवर्क देन. या मे बी ड्यू टू बैड ओके, नेटवर्क. नाउ इट्स ओके, गेटिंग सो डाउन, इट्स गेटिंग डाउन. ओके, ऑल्सो यू नो, जिस तरीके से आपने कहा कि ऑब्वियसली अभी बहुत नॉर्मल हो चुका है, बहुत कॉमन हो चुका है लॉकडाउन की जिस तरीके से चीजें चल रही है. बट ये लॉकडाउन में एक ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि यू नो कि ये चीज मैंने अपने बारे में सीखी या अपने बारे में जानी, क्योंकि बहुत लोग अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं. व्हाट डिड यू डिस्कवर ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन अबाउट योर सेल्फ? आई थिंक फर्स्ट थिंग वॉज कि टू वैल्यू योर टाइम. सबसे बड़ी बात वो थी कि यू आर नॉट गिविंग दैट मच टाइम टू योर सेल्फ, योर फैमिली, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो, आप हमेशा दूर होते हो फैमिली से. तो आई थिंक जितने भी लोग काम करते हैं, नॉर्मल जॉब भी करते हैं, एवरीबडी वॉज वेरी कंज्यूम अपने में, कि अपना कुछ करना है, दूसरे का नहीं करना. सडनली आफ्टर लॉकडाउन यू रियलाइज कि फैमिली इज इम्पॉर्टेंट, यू नो, स्मॉल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. खाना पीना कितना जरूरी है व्हेन यू नॉट गेटिंग द राइट थिंग. जैसे बीच में एकदम लॉकडाउन आ रहा था कि सब बंद हो जाएगा, तो लोग भाग भाग के रोजाना की चीजें खरीद रहे थे, स्टॉक कर रहे थे. सो आई थिंक यू नो यू जस्ट स्टार्टेड वैल्यूइंग थिंग्स मोर. एंड पैसे की भी अहमियत लोगों को समझ आ रही है. एंड देन यू काइंड ऑफ ऑल्सो री वैल्यू योर होल स्ट्रक्चर, यू नो, कि वॉट यू नीड टू डू नाउ, वॉट यू शुड नॉट डू. सो इट इज बिन अ वेरी पॉजिटिव टाइम इन टर्म्स ऑफ दैट वे सबके लिए. बट ऑब्वियसली इट्स अ बैड टाइम फॉर द वर्ल्ड सैडली. राइट. ऑल्सो यू नो, मैंने हाल ही में देखा कि शुगर फ्री जो है हॉटस्टार पर यू नो आ चुके. लोग देख भी रहे, पसंद भी कर रहे. क्या कुछ कहना चाहेंगे शुगर फ्री के बारे में? यहाँ शुगर फ्री ये हॉटस्टार की पहली सीरीज है शॉर्ट फिल्म्स की, जी और इससे पहले हॉटस्टार ने कभी शॉर्ट फिल्म्स आई थिंक लगाई नहीं है. तो आई थिंक ये हमारे लिए ऑब्वियसली इट्स अ बिग प्रिविलेज टू बी इन दैट लिस्ट, जो 500-700 फिल्मों से सिलेक्ट होके हमारी फिल्म 5-7 फिल्में गई हैं. जी तो ऑब्वियसली इट्स अ नाइस फीलिंग टू बी ऑन अ हॉटस्टार. एंड यू नो, आपको इतने लोग देख रहे हैं, पीपल आर लाइकिंग द फिल्म. छोटी फिल्म है बट इट हैज अ गुड मैसेज. राइट. एंड इट्स टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविटी, एंटी डिप्रेशन. आज के टाइम पे आई थिंक इट इज अ वेरी वैलिड फिल्म. वेरी एंड जस्ट रेलेवेंट. लकीली राइट द वेरी रेलेवेंट, द टाइमिंग इज जस्ट राइट राइट फॉर कमिंग ऑन हॉटस्टार. एक्चुअली दिस वॉज ओनली माई नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट किस चीज पर बेस्ड है बेसिकली शुगर फ्री? आपने जैसे कहा कि डिप्रेशन पर और काइंड ऑफ, तो क्या कुछ एक बेसिक अगर आप यूएसपी शुगर बताना चाहें? फ्री, या सॉरी, शुगर फ्री इज बेसिकली अबाउट दिस बॉय हु इज वर्किंग इन अ ऑफिस. तो इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट लाइफ आप जो लोग जीते हैं उन पे क्या प्रेशर्स होते हैं. तो इट्स अबाउट एनी बॉय और मैन हु इज वर्किंग इन अ ऑफिस, कि एवरीडे टास्क की वजह से वो कितना प्रेशराइज फील करता है राइट. एंड ही इज ओवरबर्डन. सडनली ही मीट्स अ स्ट्रेंजर इन द कॉफी शॉप एंड दे हैव दिस चिट चैट. दैट इज द होल फिल्म, कि वो चिट चैट से उसकी लाइफ का नजरिया बदल जाता है. राइट. बिकॉज द गर्ल, जो जोया हु इज प्लेइंग द गर्ल, शी के सेज गुड थिंग्स अबाउट लाइफ. तो आई थिंक अ स्मॉल लिटिल थिंग कैन चेंज योर लाइफ. राइट दैट्स द आइडिया, यू नो, इफ यू थिंक पॉजिटिवली यू कैन मूव अहेड. राइट. एंड इफ यू वुड लाइक टू टेल अबाउट योर कैरेक्टर, तो अपने कैरेक्टर को किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे?
As I said, Akshay is a very frustrated kind of office employee. जिसका एक बॉस है वो उसको डांट के रखता है, झाड़ के रखता है. He doesn't really have a life except his office. Right. और वो उसमें भी स्ट्रगल कर रहा है कि चार चीजें कर पा रहा है, दो चीजें नहीं कर पा रहा, उसकी टीम डिलीवर नहीं कर पाती. तो गुस्से में रहता है. तो आई थिंक इट इज जस्ट लाइक कोई भी अगर कॉर्पोरेट लाइफ में अगर कोई भी जीता है, वर्क प्रेशर बहुत होता है. राइट. उसी के बीच में ये स्वीट सी एक कहानी निकाली. आई वोंट कॉल इट अ लव स्टोरी, बट आई विल कॉल इट अ यू नो काइंड ऑफ अ रोमांटिक फील टू इट एंड विद अ गुड मैसेज दैट यू नो ट्राई टू बी पॉजिटिव. सो अक्षय इज बेसिकली नेगेटिव एंड दैट कॉन्वर्जेशन इज द होल फिल्म. इफ यू सी यू लाइक इट. Right. So Akshay is although negative, but Yuvraj is I think very much positive. So Akshay और Yuvraj में अगर आपको कोई एक similarity, I'm trying to be. अगर Akshay और Yuvraj में कोई एक similarity आपको लगती हो, you know कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं जब हम actors से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इस character में जो character उन्हें offer होता है XYZ any character, तो इस character की ये चीज मुझे attract की तो मुझे लगा कि I can play this. तो Akshay की ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको attract की and you thought कि I can play this? अक्षय के साथ आई कुड फील दैट यू नो यू हैड दैट रिलेटेबिलिटी कि हर आदमी अक्षय के साथ रिलेट कर सकता है क्योंकि वही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रोजाना दिन की आपके टास्क पूरे नहीं हो रहे, आपके मेल नहीं आ रहे, आपने कॉल नहीं करे, आई थिंक ये सबके प्रॉब्लम्स आती हैं. तो आई कुड रिलेट टू अक्षय क्योंकि वो कहीं पे इवन आई हैव बिहेव्ड लाइक दैट. आई हैव अ बैड डे और अ बैड मंथ and you know every day you are edgy and आप लड़ाई कर रहे हो, आप debate कर रहे हो, argue कर रहे हो. so I thought this character is very relevant and I think probably it's very relatable with people who are working or in a job or office जो बहुत लोग होते हैं. so that's what made me like Akshay and I also like the fact that वो एक different point of view से आता है and then by the end of it he changes quick. right. so that was also nice. राइट. ऑल्सो यू नो जैसे आपने कहा कि लोग रिलेट कर पाते हैं, कोई भी चीज एक्चुअली यू नो तब ज्यादा हिट हो जाती है या फिर ज्यादा लोगों को पसंद आती है इफ पीपल आर एबल टू रिलेट विद द कैरेक्टर और विद द स्टोरी. आपको लगता है कहीं ना कहीं फिल्म में आजकल बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि फिल्म जो है वो थोड़ी सी यू नो ओवर द टॉप होती है, पर जो वेब सीरीज आजकल आने लग गई है वो बहुत कट टू कट और ऑन पॉइंट होती है तो लोग बहुत ज्यादा रिलेट कर लेते हैं और प्लस एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, वेब सीरीज और फिल्म्स में आपको क्या डिफरेंट, क्या डिफरेंस नजर आता है ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से? या देखिए वेब सीरीज में प्रोड्यूसर रिस्क ले सकता है बिकॉज देयर इज नॉट रियली एनी रिस्क इन टर्म्स ऑफ कि आपकी पिक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करना है या एग्जिबिट करना है. वो मार्केट में जाएगी और वो जो पूरा ट्रेड गेम होता है एक कमर्शियल फिल्म के साथ जो बड़े पर्दे की पिक्चर होती है वो टोटली अलग है. तो आई थिंक वेब सीरीज इज अ वेरी सेफ प्लेस. तो जो अच्छे कंटेंट है, कॉन्सेप्ट है, वो वेब पे इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और आप सेफ हो. बट सिनेमा में यू हैव टू हैव दैट फॉर्मूला ऑफ डांस, एक्शन, बॉक्स ऑफिस पॉपकॉर्न सिनेमा जो हम कहते हैं. right. वो सारे मसाले डालने पड़ते हैं टू गेट दोज नंबर्स. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो आई थिंक विद वेब वी आर on a fantastic course and hopefully in the next 5 years we'll see better things. Obviously there'll be clutter of lot of things, bahut bahut content aayega par usme bahut acha acha content bhi aata rahega jo I think logo ko excite rakhega. right. also you know jis tarike se is waqt situations chal rahi hain, you know pandemic situation chal raha hai, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल सेकेंड आई वुड से आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव सुनने को मिल जाता है. सो ये पॉइंट ऑफ टाइम पे एज अ पर्सन आप कितना अपने आप को मोटिवेटेड रख पा रहे हैं क्योंकि बहुत लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं एंड इट्स लाइक इट्स वेरी कॉमन. अब तो हर दूसरा इंसान डिप्रेस्ड फील कर रहा है, नॉट फीलिंग गुड वाली वाइब्स आ रही है, यू नो नॉट अ गुड डे, नॉट अ गुड ईयर, नॉट अ गुड मंथ. सो आप कैसे अपने आप को कोप अप कर रहे हैं उन चीजों से? आई थिंक पहली बात तो ये है कि यू हैव ऑलरेडी रियलाइज कि दिस इज अ बैड ईयर. राइट. अब ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि ये साल खराब है एंड आगे भी जाके जो 6 महीने बचे हैं विल नॉट बी वेरी प्रोडक्टिव. तो आप अपने माइंड को उस तरह से ट्यून कर लीजिए कि भाई अब 6 महीना 7 महीने हम काम तो कर नहीं पाएंगे आगे अच्छे से. तो जो जितना कर सकता है, जो जिसकी कैपेसिटी है,
उतना करते रहे. एंड ऑब्वियसली आपको प्रिकॉशन रखना है क्योंकि पैंडेमिक है, तो आपको ऑब्वियसली यू हैव टू जो मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, वो सब करना ही पड़ेगा, चारा नहीं है उसमें. तो आपको ही अपने आपको बस बताना पड़ेगा कि अनफॉर्चुनेटली दुनिया की ये हालत है एंड वी हैव टू डील विद इट. एंड दैट्स व्हाट आई डू फॉर माई सेल्फ, कि मैं जो काम नहीं कर पा रहा था, सपोज माय स्टूडियो का काम था या फिर कुछ बुक्स रिलेटेड था या कुछ भी जो बहुत टाइम से पेंडिंग था, राइटिंग का काम था, कुछ स्क्रिप्ट्स थी, तो आई थॉट कि ये टाइम है मेरे पास तो मुझे कर लेना चाहिए. तो आई थिंक बेस्ट तरीका ये होगा कि आप कम से कम न्यूज देख के अपने माइंड को डिस्टर्ब करें और ज्यादा कोई प्रोडक्टिव काम को पकड़ लें, तो आई थिंक इससे अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि अब आपके पास टाइम है, उसको यूटिलाइज करें. डरने से तो घर में बैठ के आई डोंट थिंक कोई फायदा है. एग्जैक्टली. एंड जैसा आपने कहा, यू नो, न्यूज देखकर जब आप बाहर लोगों को देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि कोरोना वायरस किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि एवरीवन इज रोमिंग अराउंड फ्रीली. बट जब आप न्यूज देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ेगा. तो देर आर लाइक एब्सोल्युटली टू पर्सपेक्टिव्स गोइंग ऑन. न्यूज जो है बहुत ज्यादा अंदर से आपको डैमेज कर देता है. ऐसा लगता है कोई बचेगा ही नहीं दुनिया में, दुनिया अभी खत्म ही होने वाली है, इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बट यू नो, जैसे आपने कहा कि सारे पेंडिंग काम आप पूरे कर रहे हैं, स्क्रिप्ट्स वगैरह, तो किस तरीके से अपनी कोई हॉबी आपने डिस्कवर की? जैसे बहुत लोग कुकिंग कर रहे हैं, बहुत लोग यू नो म्यूजिक का, बहुत लोगों को चस्का लग गया कि हम गिटार विटार सीख रहे हैं. आप ऐसा कुछ सीख रहे हैं? नहीं, मैंने कुछ सीखा नहीं, बट जैसे मेरी कराटे की बहुत ट्रेनिंग चल रही है इस वक्त ऑनलाइन फॉर माय नेक्स्ट फिल्म, तो आई हैव इंक्रीज दैट. मेरे को कराटे के लिए कम टाइम मिल रहा था तो वो मेरा बढ़ गया है. और सेकेंडली मेरा डीजेइंग, आई यूज्ड टू बी अ डीजे इन कॉलेज डेज, मैंने प्रोफेशनली बहुत बजाया था, तो वो मुझे टाइम मिल गया, मैं अपना कॉन्सोल, अपना स्टूडियो, वो सब कुछ बिल्ड कर पाया, लाइव वीडियोस बनाने शुरू कर दिए. तो आई थिंक वही जो टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा था, म्यूजिक को ऑर्गेनाइज करना, राइटिंग का काम जैसे मैंने आपको बोला, तो जी इतनी चीजें थी जो आप नहीं कर पा रहे थे. तो यू नो, और तेलुगु सीख रहा हूँ मैं क्योंकि मेरी अभी तेलुगु फिल्म है, तो थोड़ी बहुत तेलुगु की प्रैक्टिस शुरू करी है मैंने. सो ट्राइंग टू यूटिलाइज टाइम, बेटर टू डू दैट. वही आई थिंक दैट्स द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट वे टू लिव, अदरवाइज आपको डिप्रेशन ही आएगा. आई थिंक देयर इज नो वे आउट. राइट. जैसे आपने कहा यू नो नेक्स्ट तेलुगु फिल्म है, तो कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को, फैंस को, उसके बारे में कि क्या कुछ नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है आपका? हाँ, मेरी अभी एक तेलुगु की फिल्म, उसका दो तीन दिन शूट हुए थे, उसके बाद हमारा लॉकडाउन लग गया. तो दैट इज अ एक्शन फिल्म कॉल्ड सेवा, और इट्स अ बिग फिल्म एंड काफी बड़ी कास्ट है उसमें, तीन हीरोइंस भी हैं, तेलुगु बड़ी हीरोइंस हैं. और सो वेटिंग फॉर दैट टू स्टार्ट जैसी लॉकडाउन खत्म होगा, विच वी आर नाउ थिंकिंग मे बी ऑगस्ट एंड हम स्टार्ट करेंगे. राइट. तो दैट इज देयर. उसके बाद आई हैव वन मोर फिल्म, आई हैव अ वेब सीरीज इन हिंदी, and there's a Punjabi film ready to release जो बन चुकी है, but because cinemas are not opening तो हम release नहीं कर सकते. that is called Sorry and the Pind आ गया, which is having Gurnam Bhullar and Sargun Mehta. wow. तो that's a quite a anticipated film for Punjab. तो वो May की release थी 29th को actually, but lockdown के वजह से we can't release. तो we have these 2-3 things मेरे पास हैं जो अभी I'm in queue and waiting for the lockdown to open and start as soon as possible. तब तक घर से जो कर सकते हैं, we have a YouTube show getting edited also on travel and one show on kids. तो काफी चीजें हैं, we are doing YouTube, we are doing mainstream Bollywood, Telugu, web, जो भी आ जाए. I think important to keep yourself busy with writing. Exactly. And editing or maybe you know. Executing something. Also, just आपने कहा, you know, this Punjabi, first of all, lots of things are there in your plate. So, Punjabi हो गया और you know, South की film हो गई. तो as an actor, आपको कोई ऐसे difference नजर आता है Punjabi में और South industry में, और हमारी अगर यहाँ की बात की जाए Hindi industry की, क्या कुछ difference नजर आता है काम करने के तरीके में या work pattern में? Hindi industry is very आई थिंक वन डायमेंशनल उसका एक स्ट्रक्चर है कि आपको इस तरह की फिल्में बनानी है और इस तरह के नंबर्स करने हैं. और यू नो कि हिंदी फिल्म में आप एक सेट से दूसरे सेट में जाना इतना मुश्किल नहीं है. राइट.
whereas I feel that Punjabi films are more of a unit space, जहाँ पे लोग बहुत पर्सनल हो जाते हैं और बहुत फैमिली वाला माहौल बन जाता है और आप ही के लोग होते हैं. तो जैसे हिंदी फिल्मों में आप 5 एजेंसीज के साथ 10 एजेंसी का काम करोगे, आप काफी फ्री होते हो टेक्निकली. बट पंजाब में सब लोग साथ मिल बांट के काम करते हैं, तो इट्स अ डिफरेंट कल्चर. और तेलुगु में दे हैव देयर ओन वे ऑफ वर्किंग विच इज वेरी मच ऑन टाइम, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक, डेट, हाँ डेट टू डेट काम करते हैं वो लोग. तो ये छोटे चेंजेस हैं इंडस्ट्रीज में एंड दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड यू हैव टू जेल, बिकॉज जैसे तेलुगु में काम होता है वहाँ पंजाब में नहीं हो सकता. दैट्स जस्ट एन ऑपोजिट वे ऑफ वर्किंग. और जैसे हिंदी में होता है वो प्रॉब्ली तेलुगु और उसमें नहीं हो रहा. सो आई थिंक विद स्टूडियोज नाउ इन, प्रोफेशनलिज्म काफी आ रहा है. राइट. क्योंकि एक तो पंजाबी जो होते हैं वो बहुत खुले दिल के होते हैं, तो मस्त मौला होके एकदम दिल खोल के यू नो अपने टाइम के हिसाब से चीजें करते हैं. और लेकिन बाय दीज फ्यू इयर्स पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्रीज और पंजाबी फिल्म्स हैव लिटरली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी पहचान बना रहे. पंजाबी फिल्म्स जो है, पंजाबी गाने जो है, पंजाबी गानों के बिना तो इमेजिन ही नहीं कर सकते हम इंडिया को या फिर किसी भी और जगह पे आप चल जाओ, पंजाबी गाने आर मस्ट. सो यू नो टॉकिंग अबाउट फिल्म्स, आपने कहा नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी है, बहुत सारी चीजें लाइनअप है, लेकिन जैसे आपने शुगर फ्री की जब बात की तो जिस तरीके की उसकी कहानी है डिप्रेशन से, यू नो इस वक्त जो भी चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो नेपोटिज्म का डिबेट हो या फिर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सुशांत की बात कर ली जाए, सो आप पर्सनली एज एन एक्टर या फिर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, क्या कुछ आपके थॉट्स हैं इस चीज को लेकर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑन नेपोटिज्म आई फील ये देखिए आज से तो हो नहीं रहा. राइट. ये इंडस्ट्री मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर सीइंग दैट जो बड़े स्टार्स होते हैं या बड़ी फैमिलीज हैं उनके बच्चे फिल्मों में आते हैं, विच इज आई थिंक दे आर राइट. देखिए वो पैसा अपना लगा रहे हैं. राइट. तो उनके पास वो राइट है, और अगर हम लगाएंगे अपना पैसा तो हमारे पास वो राइट हो जाती है. तो टेक्निकली वी कैन नॉट स्टॉप देम, बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मैंने अभी एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि फेवरेटिज्म बहुत है. ट्रू. आप किसी नए आदमी को काम नहीं देना चाहते. आपने 5 लड़के पकड़ लिए, वो आप ही के फेवरेट हैं, वो आपकी पार्टियों में आ रहे हैं, आपके साथ घूम रहे हैं, और आप 5 के जने बदले आप 20-25 को इग्नोर कर रहे हो. प्रॉब्ली जिसका शिकार सुशांत हुआ कि ही फेल्ट लेफ्ट आउट कि भाई मैं स्टार होते हुए भी मैं धक्के खा रहा हूँ और मेरे को पार्टी में नहीं बुला रहे और मेरे को बेइज्जत करते हैं. वो आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही फेल्ट लाइक दैट. सो आई थिंक दिस एग्जिस्ट इन प्रॉब्ली एवरी लाइन, बट बिकॉज फिल्म लाइन में थोड़ा है लॉबीज्म है, यू कांट डिनाई इट. बट आई थिंक एज आउटसाइडर्स फॉर मी समवन, I think of it as I have to work with them or work with them, and that's how you have to be, because lobby or ye nepotism and all, it's quite a running thing. Matlab aap isko deny nahi kar sakte ki aane wale saalon mein bhi stars ke bacche aate rahenge. So you have to accept with it ki ye rahega, par jo dusre actors hain unko apne craft pe kaam karna chahiye, unke liye jagah aaj hai. अगर वो अच्छे एक्टर्स हैं तो वो वेब में फिल्म में काम पा सकते हैं. जरूरी नहीं है कि उनको नेपोटिज्म के वजह से पीछे रहना पड़े आज. राइट. ऑल्सो आजकल यू नो बहुत ऐसी चीजें हो रही है, और ये पर्सनली ऐसा मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी एक्टर की लाइफ बनाने या बिगाड़ने में, क्योंकि एक गलत आर्टिकल बिना यू नो क्रॉस चेक किए, बिना अकाउंटेबिलिटी चेक किए, सिर्फ एक गलत आर्टिकल भी एक एक्टर के दिमाग पर अलग छाप छोड़ सकता है, यू नो. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्टर की करियर बनाने और बिगाड़ने में? जी बहुत. देखिए मीडिया की जो प्रोजेक्शन है वो इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट होती है कि आप कोने कोने इंडिया में दिख जाते हैं. तो जब आपकी विजुअल इमेज हर तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली आपके पास इतनी पावर है कि आप किसी को रोक सकते हो, बना सकते हो, गिरा सकते हो. तो आई थिंक मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप डिनाई नहीं कर सकते. अगर किसी के पास रॉन्ग मीडिया है तो वो रॉन्ग रीजंस के लिए पॉपुलर है, और किसी के पास राइट मीडिया है तो वो राइट रीजंस के लिए पॉपुलर है, और किसी के पास मीडिया अगर है ही नहीं तो वो फिर इतना पॉपुलर नहीं है. पॉपुलर नहीं है ऑब्वियसली बात है. तो दैट आई थिंक मीडिया प्लेज अ बिग रोल.
एंड ऑलवेज हैज, आज से नहीं, पुराने जमाने से मीडिया का रोल है. पहले टेलीविजन और प्रिंट मीडिया थी, अब डिजिटल भी ऐड हो गई है. राइट, तो इट्स जस्ट ग्रोइंग, इट्स ग्रोइंग, मीडिया इज ग्रोइंग. राइट, ऑल्सो यू नो जैसे आपने कहा कि मीडिया इज डेफिनेटली ग्रोइंग, लेकिन उसके साथ साथ ऑडियंस का भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक्टर्स को परसेप्शन जो मिलता है वो कहीं ना कहीं ऑडियंस की वजह से मिलता है. जैसे मैं अभी कुछ ही दिनों पहले देख रही थी तो मृणाल ठाकुर जो कि टेलीविजन से जिन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि अगर मैं खड़े होकर इंटरव्यू दे रही हूँ और वहां से कोई स्टार किड एंटर होता है तो मीडिया मुझे छोड़कर स्टार किड के पीछे भागती है, जबकि मुझे अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का, लेकिन मुझे छोड़कर अगर अनन्या या जानवी कपूर या कोई भी जा रहा है तो मीडिया उधर पहले पहुंच जाती है और मेरा इंटरव्यू अधूरा छूट जाता है. तो इस तरीके का एक जो माइंडसेट है, तो मीडिया तो दे ही रही है, लेकिन जब मीडिया से पूछो तो मीडिया कहती है इट्स डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. जो ऑडियंस डिमांड करती है वो तो कहना कि आपको लगता है पूरा जो सिस्टम है वही, इट्स नॉट द फाइट इज नॉट अगेंस्ट करण जौहर और एक्स वाई जेड और एनी पर्सनैलिटी, द फाइट इज अगेंस्ट द सिस्टम. ये जो एक नजरिया बन चुका है लोगों का. करेक्ट, आई थिंक सडनली पीपल आर फाइंडिंग दैट जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री आज तक सबके लिए अट्रैक्टिव है रहती है, सडनली लोगों को लूप होल दिख रहे हैं कि ये परफेक्ट जगह नहीं है. ये तो ये हमारी अपनी गलती है इंडस्ट्री के लोगों की कि हमने पब्लिक में ऐसी इमेज बना ली है अपनी कि हम ऐसे काम कर रहे हैं, हम नेपोटिज्म कर रहे हैं, हम फेवरेटिज्म कर रहे हैं, हम लोगों को जलील कर रहे हैं या उनको डिप्रेशन में ले जा रहे हैं या उनका पैसा खा रहे हैं. तो ये अगर आप आदतें बना लेंगे तो पब्लिक में जाएगा ही और पब्लिक उस पर रिएक्ट कर रही है. और आई थिंक आज मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि जो हमारे टॉप 5-7 बड़े नाम है फिल्म इंडस्ट्री के, उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल अगर आप देख लो तो गालियों से भरा हुआ है. एग्जैक्टली. तो आई डोंट नो व्हाट टू से कि आपने इतनी मेहनत करी इतना नाम कमाने के लिए, अब आपको पूरा देश अगर गाली दे रहा है तो कहीं हमने भी अपनी कोई गलती तो करी है जो ये प्रॉब्लम है. वी हैव टू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग. जहां तक आप मीडिया का कह रही हो कि प्रेस इवेंट्स पे, और जो मीडिया भी थोड़ा फेवरेटिज्म करती है तो हो जाता है. देखिए, क्योंकि आपके जो वो स्टार्स हैं आपने उनको प्लेस ऐसे कर दिया है कि अब आप उनको नंबर वन पे ले गए. तो जब नंबर टू नंबर थ्री फोर का आदमी आ रहा है तो आप ऑब्वियसली नंबर वन पे भागते हो. ये मेरे साथ भी हुआ है कि फिल्म फेयर पे मैं एक इंटरव्यू दे रहा था और उसी टाइम पे आई थिंक रणबीर या रणवीर केम, तो लकीली मेरा इंटरव्यू वाला मेरे साथ खड़ा रहा, पर जो 5-6 लोग थे वो भाग गए वहां. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार कोई भाग नहीं रहा था, रणबीर भी यही था, फिल्म फेयर का अवार्ड है, वो परफॉर्म कर रहा है. तो एक बिहेवियर भी ऐसा है कि कोई बड़ा स्टार आया तो सब भाग जाते हैं. ट्रू. या फिर अमिताभ बच्चन आ गए तो सब भाग जाएंगे. तो ये जरूरत नहीं है, आराम से सब हो सकता है. एग्जैक्टली. एंड ऑब्वियसली कोई एक्टर अगर वहां पे खड़ा है और आपको इंटरव्यू दे रहा है तो आई थिंक उसका इंटरव्यू लेना पहले इज ऑब्वियसली बेटर. बट ये चलता रहता है, आई थिंक इसको ज्यादा पर्सनली भी नहीं लेना चाहिए. अब बच्चन साहब मेरे सामने आएंगे तो ऑब्वियसली मीडिया उनके पीछे भागेगी. राइट. मैं भी शायद भाग लूंगा. नहीं, ऑब्वियसली ऐसी चीजें तो होती है, लेकिन आजकल जैसे आपने ना अवार्ड फंक्शन की बात की, आजकल अवार्ड फंक्शंस भी काफी घेरे में, और इनफैक्ट अवार्ड फंक्शंस के लिए तो एक्टर्स खुद, चाहे अक्षय कुमार हो, अभय देओल हो, यू नो तमाम ऐसे एक्टर्स, रवीना टंडन हो, ये लोग सब खुद निकल के बाहर आ रहे हैं, खुद ही ये सब कह रहे हैं कि अवार्ड से ज्यादा फेक चीज इंडस्ट्री में कुछ है ही नहीं. तो आपका क्या टेक है इस चीज पर? On awards? Yeah. Award functions. Yes. Award, देखिए बहुत different इसमें मतलब आपको वो मिलते हैं, tips मिलेंगी या राय मिलेंगी. मेरा ये मानना है कि मेरी फिल्म शॉर्ट फिल्म थी गुड लक कैफे, वो फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 2018 में सिलेक्ट हुई अपने दम पे. किसी को फोन नहीं किया हमने, एक्चुअली पिक्चर फिल्म फेयर ऑफिस भेजी वर्ली में, बॉम्बे में, वो खुद सिलेक्ट हो गए, उन्होंने हमको डाला, ऑल इंडिया वोटिंग करी. तो मैं तारीफ करूंगा फिल्म फेयर की और खासकर मिस्टर विनीत जैन की, जो उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म निकाला है. पर अब मेन अवार्ड्स में जब आप देखते हैं कि लेस डिजर्विंग लोग जीत रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और आप जानते हैं कि यार ये फिल्म डेफिनेटली बेटर थी, उसका परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर था, लड़के का या लड़की का या सपोर्टिंग एक्टर का या विलन का,
एंड यू सी कि जो नहीं डिजर्विंग था वो ले जाता है, तो फिर राइट ऑब्वियस बात हो जाती है कि पब्लिक नहीं मानती, क्योंकि देखिए फिल्म फेयर एक ऐसा अवार्ड है, या जी के जो अवार्ड्स थे वो ऐसे होते थे कि आप एक टाइम पे आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये लोग कम्पीट करते थे एक अवार्ड के लिए, राइट और अब ऐसा हो गया कि आपको मतलब माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, ये लोग कम्पीट कर रहे हैं, और अब ऐसा नहीं है, अब आप किसी को भी दे रहे हैं विदाउट एनी डिजर्विंग कैंडिडेट. आई थिंक इट इज अगेन वही बात आ गई, आप अपनी इमेज खुद खराब कर रहे हैं और फिर आप पब्लिक को बोल रहे हैं कि आप हमें गाली क्यों दे रहे हो. तो इट इज वेरी, आई थिंक हमें अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा, झांकना चाहिए डेफिनेटली. नो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि पूरा देश अगर कोई बात कह रहा है तो वो बात में कुछ तो बात होगी, तभी वो बात निकल रही है. लेकिन यू नो अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से अभी ये लॉकडाउन तो चल ही रहा है, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे पहली चीज युवराज क्या करने वाले हैं? मतलब बहुत लोगों से जब मैं ये सवाल पूछती तो बहुत सारे एक्टर्स भी बोल रहे कि आई एम क्रेविंग फॉर जंक फूड, तो मैं तो भाग के पहले जंक फूड खाऊंगी और मैं पहले लॉन्ग ड्राइव पे चला जाऊंगा. सो आप क्या करने वाले हैं लॉकडाउन खत्म होते ही? लॉकडाउन खत्म होती आई थिंक टेनिस, गोल्फ, ये जो स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहे अभी इस वक्त, आई वुड लव टू डू दैट. मैं आई लाइक टू प्ले टेनिस एंड गोल्फ, तो अब वो नहीं खेलने को मिल रहा, तो इस तरह की चीजें. एंड ऑब्वियसली स्टार्ट शूटिंग, क्योंकि शूटिंग बहुत टाइम से रुकी हुई है, तो वी वॉन्ट टू स्टार्ट शूटिंग फॉर आर नेक्स्ट फिल्म विच इज बहुत डिले में, इस पूरे साल में डिले में लग गई है. तो वी ऑलरेडी 8 months लेट बिकॉज ऑफ कोरोना नाउ, राइट. So, you know, ये सारी फिल्में हमारी रिलीज की, उसको लगाना है, मतलब दिस गोइंग टू बी वेरी टफ. मतलब आई थिंक समझ नहीं आएगा कि जब खुल जाएगा, बट आई थिंक खुलेगा नहीं इन टर्म्स ऑफ जैसे हमें लग रहा है, राइट राइट. आई थिंक वो ऐसे चलता रहेगा, आपको इस लाइफ में जीना पड़ेगा अभी कुछ समय, राइट. ऑल्सो क्योंकि कोरोना वायरस ने बहुत चीजें जो है वो ऊपर नीचे कर दिए, यू नो. लेकिन मीन वाइल वेन वी आर सिटिंग इन साइड द नेशन इज ऑलरेडी यू नो बाहर जो चीजें इन्वायरमेंट की वो सुधर रही है. तो आप इन्वायरमेंट को लेकर कुछ भी कहना चाहेंगे, क्योंकि हम घर के अंदर बंद है लेकिन बाहर इन्वायरमेंट जो है वो बहुत सुंदर होता जा रहा है. इट्स लाइक एक ग्रैंड ओपनिंग के लिए यू नो हमारे लिए वेलकम हो रहा है कि हाँ बहुत जल्द जैसे तुम लोग बाहर निकलोगे तुम्हें एक अच्छी दुनिया मिलेगी नेचर से सबरी हुई. तो उस चीज पर आपका क्या टेक है? हाँ डेफिनेटली पोल्यूशन पर तो फर्क आया है पूरा. आई थिंक दिल्ली, बॉम्बे ये हाईली पोल्यूटेड सिटीज थी, और बाकी भी छोटे शहर भी काफी आ गए थे. अब काफी इंडस्ट्रियल टाउन्स थे जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे, लाइक फरीदाबाद, गाजियाबाद, तो अब ये भी साफ हो गई है. सुनने में आया यमुना भी एकदम ब्लू हो गई है, राइट. तो क्या है, तो ये चीजें तो फर्क पड़ी है क्योंकि नेचर ने अपना पूरा इसको तरह से गेम खेला है, राइट. और इट इज क्लेंजिंग टाइम फॉर द वर्ल्ड. और अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस एक ऐसी चीज है जो लीथल है और लोग मर रहे हैं, तो इट इज अ बैड टाइम. बट कहीं पे पॉजिटिव यही है कि प्लैनेट साफ हो रहा है, यू आर गेटिंग वेरी क्लियर इन योर हेड. आई थिंक आई एम मोर क्लियर इन माई हेड. अगर आज मैं आपको बताऊं जी, तो मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है लाइफ में. पहले शायद मैं कंफ्यूज था, अब मुझे पता है. तो दैट इज वन थिंग जो कोरोना ने आपको रियलाइज कराया कि भाई हर चीज करनी जरूरी नहीं है लाइफ में, आप वो दो चार चीजें करें जिससे आपको खुशी मिलती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लैनेट साफ हो रहा है अभी एट दिस टाइम, राइट. ऑल्सो यू नो हमने फिल्म के बारे में बातें कर ली, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर ली. लास्टली जाते जाते फैंस और जो व्यूअर्स हैं जो अभी देख रहे हैं और जो बाद में जब ये इंटरव्यू अपलोड हो जाएगा गाइज मूवी ज़रा पर तब देखेंगे, क्या कुछ उनको कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? कि आप प्लीज आउटडोर सिनेमा जरूर जाए. मेरा सबको ये रिक्वेस्ट है कि जो सिनेमा का एक्सपीरियंस है एज अ एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, मैं खुद इंजॉय करता हूँ कि मैं बड़े पर्दे में जाके फिल्म देखूं. तो डोंट स्टॉप वॉचिंग फिल्म इन सिनेमा हॉल. चला जाएगा कोरोना का फेयर, जब आपको लगे आप सेफ हैं तो जाइए और हॉल में पिक्चर देखिए, क्योंकि दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. एंड बाकी आई थिंक वही है कि दे हैव टू बी सेफ एंड यू हैव टू टेक केयर, और जितना कम स्ट्रेस ले सके. एंड That's how we have to live right now, क्योंकि ये रहेगा अभी आई थिंक 6-8 महीना नहीं जा रहा है. Right. So, to everyone, just be safe, strong, smart,
and well balanced, and keep watching movies. Yes, keep watching movies and also keep watching movies, Adda. And I hope कि जैसे ही lockdown खत्म हो जाएगा उसके बाद आप जब films की shooting करोगे तब हम आमने सामने बैठ के interview कर पाएं. But I think this right now, these live interviews are the new thing in the market, क्योंकि everyone is doing all of this right now. Yeah. But hopefully जी से जल्दी. There's no choice. Yes, there's no choice. And जैसे otherwise you know, it's better to interview on the sets. और मजा आता है. एग्जैक्टली यू नो आप सेगमेंट्स खेल सकते हैं. हाँ करेक्ट करेक्ट. आप खाना खा रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप शूटिंग कर रहे हैं. इट्स फन. अब क्या करें, जैस सून एज शूटिंग चालू होगी वी विल बी हैप्पी टू इनवाइट यू एंड मूवी अड्डा टू कम टू आवर सेट एंड शूट एंड व्हाई नॉट. मतलब एवरीबॉडी वांट्स दैट बट कॉन्टैक्ट इज अ बिग प्रॉब्लम. एग्जैक्टली आसपास आना ही इतना दिक्कत है तो यस कोई बात. बट जैसे कहते हैं यू नो कि this too shall pass, so this will also pass someday. अभी नहीं तो कभी ना कभी तो हो जाएगा. So thank you so much Yuvraj for talking to us and all the very best. Lockdown खत्म होने के बाद आपकी सारी projects जो है वो I hope resume हो जाए और हमारा भी काम resume हो जाए, क्योंकि हमारा काम है आप लोगों को click करना, आप लोगों के बारे में लिखना, आप लोगों के साथ interviews करना. So जब तक नहीं होता है तब तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा. So thank you so much for talking to us. Thank you so much. Thank you movie Adda. Bye. Thank you.